हेलो गाइस गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे वोडाफोन के सिम के बारे में। अगर वोडाफोन के सिम में आपको कॉलिंग सही नहीं मिल पाती है तो आपको क्या करना चाहिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस, यहाँ पर मैं आपसे कहना भी चाहूँगा कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन प्लीज़ गाइस इस वीडियो को लाइक तो ज़रूर ही कर दीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमें क्या प्रोसेस करना पड़ेगा, पहले सेटिंग्स में जाना होगा हमें। अब अंतर नहीं पड़ता आपके पास कोई सा भी सिम हो, एयरटेल का हो, वोडाफोन का ही नहीं, कोई सा भी सिम हो, जियो वगैरह का, तो आप ये प्रोसेस कर सकते हैं। तो सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पर आपको टाइप करना होगा कॉल्स, या आप सिंपली यहाँ से भी कहीं से भी जा सकते हैं कॉल्स में, जैसे कॉल सेटिंग्स हो गई वगैरह, तो आप जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं सर्च करूँगा कॉल्स, तो ये आपको सिस्टम्स ऐप्स में भी मिल जाती है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ सिस्टम ऐप्स कहाँ होती हैं। यहाँ पर आप जाते हैं, सिस्टम ऐप्स आपको मिल जाती हैं। यहाँ पर इसको खोल लेते हैं और यहाँ पर कॉल सेटिंग्स आपको मिल जाती हैं। उसके बाद यहाँ पर जो आपको एडवांस सेटिंग्स में जाना है, एडवांस सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको मिल जाता है कॉल बैरिंग, तो कॉल बैरिंग को आपको खोल लेना है और यहाँ पर सिम सिलेक्ट कर लेना है कोई सा भी। अब यहाँ पर रीडिंग सेटिंग्स होगी और यहाँ पर बहुत सारी आपको सर्विसेज मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि यहाँ पर कोई सी भी सर्विस इनेबल नहीं होनी चाहिए। अगर इनेबल है तो उसको डिसेबल कर दीजिए, क्योंकि आपकी कॉलिंग में प्रॉब्लम हो सकती है अगर ये इनेबल होती है तो उसके बाद जो है आपको यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद यहाँ पर आपको जाना होगा फिर सबसे ऊपर, यहाँ पर आपको दिखता होगा सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क, इस पर जाना होगा। फिर यहाँ पर आपको सिम दोबारा पर जाना होगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा मोबाइल नेटवर्क पर, तो इस पर भी चले जाना है। यहाँ पर जाने के बाद आपको ऑटोमेटिकली सिलेक्ट नेटवर्क पर एक दफ़े क्लिक करना है और नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद ओके और फिर ओके। फिर यहाँ पर जो आपको थोड़ी सी देर के लिए सर्चिंग चलेगी, तब तक के लिए मैं इस वीडियो को स्किप कर देता हूँ। सर्चिंग होने के बाद आपको कुछ ऐसे नेटवर्क्स दिखेंगे, तो आपको उन नेटवर्क पर सिलेक्ट कर देना है जो भी आपके इलाके में अच्छे चलते हों। तो अगर उन नेटवर्क पर आप सिलेक्ट करेंगे तो आपके काफ़ी बेटर चलते हैं। जैसे कि वोडाफोन का आइडिया के साथ कोलैबोरेशंस है, कुछ नेटवर्क्स प्रोवाइड करवाते हैं एक दूसरे के, तो आप चाहें तो उन पर भी क्लिक करके उसके नेटवर्क को चूज़ कर सकते हैं। बट फिलहाल मैं यहाँ पर चूज़ नहीं करने वाला हूँ, मुझे आपको बताना था सिर्फ। तो अगर यहाँ पर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी और आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।